नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आते रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम में आते रहते हैं। हम अनअकैडमी पर एक एनटीएससी का कोर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप जाके उसे एक बार देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों की आप बहुत बड़ी रेंज देखना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट या एनटीएससी एग्जाम में, ओलंपियाड में या आईटी फाउंडेशन में है, तो आप अनअकैडमी पर जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आप समझने की कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको एपी का मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपको एपी का कंसेप्ट नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं एपी के, वहाँ जाकर आप बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए सर, यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एन ए पी, तो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो ए पी में हैं, ठीक है। राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है, ट्राइंगल जो है सी पर राइट एंगल है, ये भी दे रखा है। तब आपको बताना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या फंसा पड़ा है? क्वेश्चन में ए पी फंसा पड़ा है, क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम फंसी पड़ी है और क्वेश्चन में ट्रिकोमेट्री फंसी पड़ी है। एक क्वेश्चन में आपके पास तीन कंसेप्ट एप्लीकेबल है। आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, आपको पता होना चाहिए एपी का कंसेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट क्या है। यदि आपको तीनों कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक एक करके बात को स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल एट सी है, तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको ट्राइंगल ऐसा बनाना पड़ेगा, ये सी यहाँ लेना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है कि ए आप यहाँ ले लो या ए यहाँ पर ले लो, ठीक है। मैं चलो यहाँ ले लेता हूँ, ए बी और ए सी, इतना हो गया। अब आपको जो साइड इसकी दे रखी हैं वो एपी में दे रखी हैं, तो यहाँ पर तीन साइड हैं। तो जब आपको एपी में तीन नंबर लेने हों तो आप क्या नंबर लेते हो? जब देखिए, लेट थ्री साइड्स आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब आपको एपी में तीन नंबर कंसीडर करने हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लीजिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप चाहें तो ए ए प्लस डी और ए प्लस टू भी डी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें सबसे बड़ी साइड ये है, और ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा? ए प्लस डी मानना पड़ेगा। और इन दोनों में से एक को आप a माइनस डी मान लो और एक को आप a मान लो, आप इसको a मान लो, इसको a माइनस डी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बातों पर, ठीक है। तो आपने ट्राइंगल की साइड जो यहाँ पर ली वो कौन कौन सी ली? a माइनस डी, ये सबसे छोटी साइड होगी, उससे बड़ी साइड कौन सी? ये होगी। और सबसे बड़ी साइड क्या होगी? a प्लस डी होगी। हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए ये जो साइड आएगी वो कितनी मानी जाएगी? a प्लस डी मानी जाएगी, ठीक है। अब आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी लगाइए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो? आप ये जानते हो कि ए बी स्क्वायर जो है वो ए सी स्क्वायर प्लस कितना होगा? बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि सी पर राइट एंगल दे रखा था, ठीक है ना। अब आप इसको लिख सकते हो ए बी स्क्वायर मतलब ए माइनस ए प्लस डी होल स्क्वायर। ए सी कितना है? ए माइनस डी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? ए स्क्वायर। तो यहां से आपको ए और डी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ए और डी में क्या रिलेशन है, ठीक है। यहां पर साइड पता नहीं करनी है हमें, क्या पता करना है? हमें पता करना है ये साइन ए कितना होगा और कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये चीज बतानी है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस ए स्क्वायर आएगा। देखो इस ए स्क्वायर से ये चीज क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएंगे ना, इसको आप इधर ले आओ तो ये फोर ए डी बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। आप इस ए से इसको काट सकते हो तो आप ये लिख सकते हो कि फोर डी जो है वो ए के बराबर होगा,
हाँ जी, आपके पता लग गया कि ए और डी में क्या रिलेशन है, मतलब ए की जगह हम 4D रख सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्लियर हुआ ना कंसेप्ट, राइट। अब जरा आप ये देखें कि साइन स्क्वायर ए बेलून निकाली, अब आप यहां पर आया ट्रिकोमेट्री पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए निकालना है, मतलब ये एंगल आपको लेके चलना होगा, जब ये एंगल लेके चलेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस होगा और बेस होगा, और साइन के लिए क्या कंडीशन होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो कहने का मतलब है साइन लिखा जाएगा बी सी ओवर ए बी, बी सी ओवर ए बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, भाई इसको लगा रहे तो इसको लगा दिया हमने, ठीक है ना, चलिए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जब आप कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे तो क्या होगा भाई, आप एंगल ये लेंगे तो जब एंगल आप ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा और बेस आपके पास ये हो जाएगा, जब आप एंगल ये ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी ले रहा हूं तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब मैंने साइन स्क्वायर ए लिया तो कौन सा एंगल लिया, मैंने ये लिया, जब एंगल मैंने ए ये लिया तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस होगा, और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और जब एंगल मैं ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस होगा और बेस ये होगा, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, मतलब बी सी ओवर क्या आएगा, ए बी, कितना आएगा ये बी सी ओवर ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम आ रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, टू ब्रैकेट बी सी ओवर ए बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, चलिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और थोड़ा सॉल्व करोगे तो बी बी सी कितना है आपका, बी सी आपका ए, ठीक है ना, और ए बी कितना है, ए बी है ए प्लस डी, होल स्क्वायर रहेगा, अब वैल्यू पुट करो, आपको क्या पता है, यहां पर आपको पता है कि आप ए की जगह 4D पुट कर सकते हो, पुट कर लो 4D, 4D प्लस डी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 4D ओवर क्या हो जाएगा, 5D होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आप आगे सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 रहेगा, ये 16 रहेगा और ये 25 रहेगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 अपॉन 25 आएगा। आपने देखा कि एक क्वेश्चन में हमें 3 चैप्टर का कंसेप्ट एप्लीकेबल हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चन निश्चित ही आपके कंपटीशन लेवल में आते रहते हैं, यदि इस तरह के क्वेश्चन की बहुत बड़ी रेंज देखना चाहते हो तो वो अनकंडी पर अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारे नीचे प्लेलिस्ट दे रखे हैं, उस प्लेलिस्ट पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप 10th लेवल के, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।